हेलो दोस्तों, राधे राधे। नए साल की राधे राधे और गुड मॉर्निंग। दोस्त कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। और आज मैं उठी हूँ तो बस बारिश हो रही है, मतलब फुहार सी गिर रही है। तो मैं टेरेस पे जाऊँगी, सबसे पहले अपने प्लांट्स देखूँगी कि उनकी क्या हालत है। मेरे सारे अडेनियम बिखरे पड़े थे टेरेस पे, क्योंकि पता ही है बार बार मुझे बताना पड़ता है कि कुछ काम चल रहा है। तो लेकिन मैं जाने से पहले ऐसी सॉरी दोस्तों, जाने से पहले ऐसी सर्दी में मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ गरम गरम पी लूँ। तो बस जल्दी से मैं चाय पी के टेरेस पे जाऊँगी और अपने सारे प्लांट्स देखूँगी कि क्या करना है किसके साथ, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी देखिए, मैं काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो जैसा भी है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन टेरेस पे जाने से पहले अपने आप को, खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए एक अच्छी सी चाय या कुछ भी गर्म चीज पी के ही टेरेस पे जाना चाहिए, क्योंकि ओस बहुत गिर रही है और हमें काम भी करना है दोस्तों। तो मैं टेरेस पे आ चुकी हूँ, देखिए आप, टेरेस पूरा गीला पड़ा है। ये बहुत तेज बारिश तो नहीं है, लेकिन वो ओस टाइप की है और कुछ वो हल्की सी फुहार पड़ रही है। और मेरे सारे अडेनियम बाहर हैं। पहले मैं अडेनिया में जो ना ग्रीन दिख रहा है ना, मैं इसके नीचे रखती थी, क्योंकि अभी बहुत पूरा मतलब इधर का उधर प्लांट हुआ है और अभी फिर होगा, क्योंकि काम जब घर में होता। तो दोस्तों, मैं अडेनियम को शिफ्ट करने लग गई हूँ कितनी स्पीड में, लेकिन जितना स्पीड में मैं दिख रही हूँ इतना स्पीड में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इतना करने में मैंने कम से कम आधा पौन घंटा लगा दिया था, लेकिन इसमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फुर्ती में, इतनी फुर्ती शायद हर किसी को हो जाए, भगवान किसी को दिक्कत ना हो। और मैं जल्दी से, एक स्टैंड है जो उसमें व्हील लगा रखे हैं, उस पर मैं हैवी वाला अडेनियम रखती हूँ। ये देखिए, मैं सरका के ले आई हूँ। इस तरह मैंने अपने सारे अडेनियम शिफ्ट कर दिए हैं इसके नीचे और बारिश से बचा लिए इनको। यहाँ धूप भी लगती है और बारिश से भी सेफ हो जाते हैं दोस्तों। तो आइए आगे क्या है देखते हैं। मेरा टेरेस का काम तो लगभग ख़त्म हो गया है, बस ये गंदगी पड़ी है वो भी साफ़ हो जाएगी। मुझे टेंशन तो थी अपने इन एडेनियम की, जो कि बारिश में भींग रहे थे और ओस भी इन पे गिर रही थी। मैं इनको इसके टीन शेड के नीचे ही रखती हूँ सर्दी में। तो जैसे ही मुझे पता चला कि बारिश होने लगी, जैसे ही मैं जागी, मैंने सबसे पहला काम टेरेस पे आके अपने अडेनियम को शिफ्ट किया, क्योंकि आज मुझे थोड़ी जगह मिल गई है, वरना मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी। अभी भी काफ़ी प्लांट्स बिखरे पड़े हैं। ये सारा जो नेट वगैरह निकला है ये भी पड़ा है, और ये सारा मैं कोशिश करूँगी मॉस स्टिक में बनाने के लिए यूज करूँगी। इसका थोड़ा बहुत रखूँगी, बाकी फेंक दूँगी, क्योंकि इस टाइम कचड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रखा है मेरे पास। और थोड़ी सी अब जगह मिली है तो मैं भी सेट करूँगी प्लांट्स। और देखिए, कुछ मैंने कोशिश की है लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब हौच पौच लग रहा है। और ऐसे काम में इतना बिजी होने के बाद भी मुझे अपने टेंशन है इन सारे प्लांट्स की, कि ये बिना मेरी देख रेख के कहीं चले ना जाएं। देखिए दोस्तों, ये सारे मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा मुझे प्रिय हैं। ये देखिए, सारे दोस्तों भींग गए हैं ये। कोई नहीं, फिर भी सर्दी का मौसम है तो फिर भी प्लांट्स बच रहे हैं। गर्मी के मौसम में होता है ये सब, तो इतना लापरवाही मेरे प्लांट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते। सर्दी है तो कोशिश तो मैंने पूरी की कि मैं दोनों टाइम प्लांट्स पे नज़र तो रखती थी, अगर गर्मी होती, ज़रूरत होती तो मैं सारा काम छोड़ के वो भी करती। और आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया है तो आप लोगों के साथ, ऐसे कोहरे में ऐसी हल्की सी बौछ पड़ रही है, उसमें भींग रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये नींबू का प्लांट था मेरा और ये नारंगी में चेंज हो गया, इसकी वजह मुझे खुद नहीं पता। इसका शायद यहाँ से एक यहाँ से नया स्टेम निकला है मिट्टी के नीचे से, इसकी वजह से होता है क्या, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन इस प्लांट से मैंने 3-4 बार
इतने बड़े बड़े नींबू, कागजी नींबू का यूज किया है। और मैं बहुत खुश थी जब इसमें इतने सारे नींबू थे, 100-150 बोलती थी, और मुझे नहीं पता था कि ये नारंगी में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि नींबू तो 8, 10 या 12, 15 इससे ज़्यादा नहीं आते थे और इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। मुझे तभी ध्यान देना चाहिए था कि ये स्टेम जो है इसको मैं कट कर दूँ, लेकिन कोई नहीं। और दोस्तों, ये जगह जगह मैंने मूली मतलब बीज डाल दिए थे, और एक मूली तो मैंने कल यूज भी की थी, हार्वेस्ट की थी। अभी ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, कल मैंने जो निकाली थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन ठीक है, ताज़ी ताज़ी खाने को मिलती है। घर में खट्टी ले आओ तो वो तो सूखी जाती हैं, यूज तो हम एक ही करते हैं। यह है कि बीच बीच से निकालते रहेंगे तो दूसरी मूलियों को थोड़ी जगह मिल जाएगी। कितना सर्दी हो रखा है फ्रेंड्स, मेरी टेंशन है कि मैं अपने ये सारे प्लांट्स को, ये टमाटर भी लाल हो गए हैं, इनको भी धूप नहीं मिली है आज एक महीने से लगभग। देखिए, मैं ये दो टमाटर यूज कर लूँगी एक दो दिन बाद, गिलहरी की किस्मत में होगी तो वो खा लेगी। और ये दोस्तों देखिए, गुलाब मेरे फेवरेट है, इनको मैंने पन्नी से ढक दिया है, क्योंकि ये बारिश पड़ने से बिल्कुल बेकार हो जाते और वैसे एक एक महीने ये ढके रहते। एक गुलाब अभी खुल गया है, देखिए दोस्त कितना प्यारा है, इसको मैं अभी कवर फिर से कर दूंगी। ये तो टीन सेट के नीचे भी है और ये अब लगभग खिल चुका है, देखिए, तो इसको मैंने कवर नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय फ्रेंड्स, इसको मैं कट कर दूंगी अभी। और ये गुलदावरी बहुत पसंद है मुझे, इसको भी मैंने कवर कर दिया है। बाकी ये तो आते जाते रहते हैं, ये है ना, ये दोबारा नहीं आते, एक बार खिलने के बाद रहते भी हैं महीने महीने भर। ये भी टीन सेट के नीचे है, ये मेरा एंथोरियम यहाँ है, इसको भी मैं बारिश से बचा लूँ दोस्तों, इसको भी मैं यहाँ रख दूँ, फिलहाल धूप भी मिलेगी और बारिश नहीं मिलेगी। सर में दर्द है और फिर भी लगी हूँ। ये तो कलियाँ हैं, ये भी भींग गई तो नहीं खिलाएंगी, कोई नहीं। ये है पिटोनिया स्पाइडर प्लांट्स, ये तो शक्ल से ही बता देते हैं कि ये ओके हैं। ये है हमारा एंजॉय पॉथोज, इनको नचाने में बड़ा मज़ा आता है। ये प्लांट्स बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इसका क्या नाम है, ये टर्टल, वो वाली टर्टल वाइन नहीं है, इसको शायद पिंक लेडी ऐसा कुछ मैंने नेट पे देखा था। ये अच्छा लगता है मुझको। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्द ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, थोड़ा मेंटेन होने के बाद। कबाड़े की भी तो हद है, कुछ भी फेंकते नहीं है। ये एक्वेरियम का निकला था, इसको भी नहीं फेंका। छोटी सी टेरेस पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं मेरे यहाँ, जो भी आए थे सब काम करने वो मतलब बता नहीं सकते, इसलिए अब मैं प्लांट्स इतनी ही केयर करूंगी। और एक हाथ से मैं कोशिश कर रही हूँ इसको कवर करने की। दोपहर में आऊँगी, धूप अगर निकली तो मैं ये पन्नी निकाल दूँगी। ओके दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। राम राम, नए साल की सभी को शुभकामनाएं।